आप ऐसे बिल्कुल नहीं है। माए बिल्कुल ठीक कह रही है। बाबूजी, हमका तो लगा था कि शहर के लोगों का भगवान से कौनो संबंध नहीं होवत है, लेकिन शायद हम गलत थे। आप जैसे बड़े लोग भी मंदिर में आवत हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, यहाँ नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे। सही कह रहे हो चकोरिया, बछवा हम आवत हैं। हाँ वैसे शहर में भी भगवान की याद आती थी। जी वहां भी आती थी सूरज राजवंशी जी। हम शहर में भी मंदिर जाया करते थे लेकिन वहां पे इतना वक्त नहीं मिलता था, लेकिन जब भी वक्त मिलता था तो हम भगवान को जरूर याद करते थे और इसीलिए आज यहां है इन्हें बताने की ये कितने कृपालु हैं। देखिए ना, हमें यहां आए हुए ज्यादा वक्त हुआ नहीं लेकिन हमें एक बहुत बढ़िया ऑफिस के लिए जगह भी मिल गई। ये देखिए उसकी चाबी। क्या बात है करण जी, हम बहुत खुश हैं आपके लिए। आप ना बिल्कुल तूफान की रफ्तार पर काम करते हैं। आपने ऑफिस भी ले लिया। कहाँ है आपका ऑफिस? जी यही बस्ती के बाहर, एक जगह खाली पड़ी हुई थी तो किसी भले इंसान ने हमें वो जगह दे दी आजादगंज के विकास के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप शुभकामनाएं नहीं देंगे सूरज जी? बिल्कुल देंगे। अगर आप हमारे आजादगंज की भलाई के बारे में सोचेंगे तो हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। शुक्रिया, लेकिन अब सिर्फ शुभकामनाओं से कुछ नहीं होगा, हमें और बहुत कुछ की जरूरत है। हमें आपके प्यार, आपकी सहायता, आपके हौसले की जरूरत है। वैसे इनकी बातों से लग रहा था कि ये हमें अपने साथ काम में लेना चाहते हैं। सूरज राजवंशी कभी भी किसी के ऑर्डर्स नहीं लेता है। हम किसी के साथ काम नहीं कर सकते। क्योंकि सच पूछिए तो चकोर जी, जिस राह पर हम उतर चुके हैं उसे अकेले पूरा करना बहुत मुश्किल है। असल में हमें एक ऐसे अनुभवी इंसान की जरूरत है जो इस काम में हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर बन सके, एक ऐसा इंसान जो इस गांव की ईंट ईंट से वाकिफ हो और जिसे इस गांव के बारे में सब कुछ पता हो, इसकी मिट्टी के बारे में, इसके लोग और उनके जज्बातों के बारे में। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप चाहते हैं लेकिन हम नहीं चाहते। हम जो कहना चाहते हैं आपकी बीवी से वो तो पूरा करने दीजिए सूरज जी। तो चकोर जी कहिए, क्या आप ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? देखिए नामत कहिए, क्योंकि आजादगंज का जो विकास है वो चकोर जी आप ही का सपना है। हम तो सिर्फ इसे पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। क्या हुआ? हमने कुछ गलत कह दिया? नहीं नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा, हमने गलत समझ लिया। तो डन है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। बहुत बढ़िया, ये लीजिए चाबी, आप आज से ही अपनी ये जिम्मेदारी संभालें। ये लीजिए। आ, 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 आ,
करण जी माफ कीजिएगा, अगर ये जिम्मेदारी आप कुछ दिन पहले हमारे पास लेकर आए होते तो हम इसे एक वरदान समझकर ले लेते, लेकिन अभी वक्त कुछ और है, हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी हमारी बेटी है, हमारी गुड़िया रानी, और हमारी बेटी से बड़ी दूसरी कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारे लिए। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं और इस बात से सहमत भी हूं। सॉरी बेबी, अनजाने में मैं आपको अपनी मम्मी से छीन रहा था। सॉरी गुड़िया रानी। सानवी को गुड़िया रानी बुलाने का अधिकार केवल परिवार वालों का है, बाहर वालों का नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं आज बार बार हमसे गलती हो रही है। शायद हमने ढंग से प्रार्थना नहीं की या फिर इन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। दोबारा पूछना पड़ेगा। करण जी, मुरली वाले ने आपकी प्रार्थना सुन ली, उन्होंने मार्गदर्शन दे दिया है। आजादगंज उन्नति प्रोजेक्ट के मैनेजर हमें मिल गए, मिस्टर सूरज राजवंशी। तनिक हम भोजन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गौरी कहाँ जा रही हो? तनिक हमारे संग बैठ के खाना खाओ ना। छगन, हमका घर पे बहुत सारा काम है और हमने माई बापू को खाना भी नहीं खिलाई है, उनके खिलाई से पहले कैसे खा सकते। अरे राम राम छगन बिटवा। राम राम। ये देख रहे हो, अरे भाई गौरी बिटिया ने दिया है और एक भी पैसा नहीं लिया। हमार बचवा तो ये पहन के गदगद हुई गवा। बेटा बिटिया को हमरे तरफ से धन्यवाद कह देना। जी। एक को बात कहे बेटा, तुमरी जिंदगी बड़े सुख में कट रही। अरे भाई भगवान जो इतनी अच्छी पत्नी दिए, सचमुच तुम बहुते भाग्यशाली हो बेटवा। एक तो तुहरी पत्नी को कलाकृति आती है और ऊपर से बढ़िया बढ़िया खाना जो बना के खिलाती। अच्छा बेटवा हम लोग चलते हैं, राम राम। सानवी, 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 सानवी खेलेगी, खेलेगी, ये तो खेल। कहाँ थे अब सानवी? अब सानवी को लेकर नीचे आ गई, आपने हमें बताया भी नहीं। बेटा इसमें बताने की क्या जरूरत है? तुम बिजी थी इसलिए हम सानवी को लेकर नीचे आ गए। और तुम इतनी घबराई हुई क्यों? अगर हमें तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है? अभी कल तुम गई थी तो सारा दिन हमने सानवी को संभाला था ना। लेकिन माँ अगर आप हमें बता देती कि आप सानवी को लेकर नीचे आ रही है तो हम निश्चिंत रहते ना। हमने देखा कि सानवी उसकी जगह पर नहीं थी, हम कितना डर गए थे। अच्छा,
ठीक है, अब तो तुम्हारी घबराहट दूर हो गई ना? हाँ माँ, डर तो दूर हो गया। चल शानवी चलेगी। माँ, आप शानवी को कहाँ लेकर जा रही? लाइए हमें दे दीजिए। अरे नहीं, आज तुम्हें शानवी नहीं दी जाएगी। पर क्यों माँ? इसलिए क्योंकि तुम्हारे पति ने बोला है कि शानवी को हम संभालेंगे। अच्छा, सूरज हमें अपनी बेटी से दूर रखना चाहता है, अभी बताते हैं उसे। ओहो, अपना गुस्सा तो देखो, हमेशा यहाँ नाक पे बैठा रहता है। सूरज तुम्हें सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए वो किचन में कुछ तुम्हारे लिए स्पेशल बना रहा है। उसने हमसे कहा कि हम तुम्हें किचन में जल्दी से भेज दें। मम्मी, हमने आपसे कहा था ना जाने के लिए। हाँ हाँ, हम जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। चलो 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 शानवी, शानवी खेलेगी डैडी के साथ, है ना? शानवी चलेगी घूमने, शानवी खेलेगी। कहाँ खेलेगी? बीबी, ये क्या हो गया तुम्हें? हम इतनी देर से कुछ तुम्हें कह रहे हैं पर तुम सुन ही नहीं रही हो। क्या कहना चाहते हो तुम? हमें नहीं पता, प्लीज बताओ ना। हम ये बताना चाहते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you, happy birthday to you। सूरज, आज हमारा जन्मदिन नहीं है। क्या? है। पहले केक को अच्छे से देखो, गौर से देखो, आधा है। आधा? अब आधा क्यों है हम बता? क्योंकि चकोर, आज से आधे साल पहले तुमने हमें शानवी के रूप में ढेर सारी खुशियां दी, जिसने हमारी जिंदगी को पूरा कर दिया। आज से ठीक आधे साल पहले तुमने अपना करियर, अपना जीवन सबको पीछे छोड़कर सिर्फ शानवी पर ध्यान दिया। आज से आधे साल पहले सिर्फ शानवी का ही नहीं, एक नई मम्मा का भी जन्म हुआ था। इसलिए हैप्पी बर्थडे मम्मा चकोर। सच तो ये है चकोर, कि इस केक के बहाने हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू चकोर, तुम शानवी का कितना ख्याल रखती हो, शानवी के साथ साथ हमारा कितना ध्यान रखती हो, उसके लिए थैंक यू चकोर। आजादगंज की उन्नति हमेशा से तुम्हारा सपना रहा है, और उसके लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज हमारी बच्ची के लिए, हमारे लिए तुमने उस सपने का भी बलिदान दे दिया। तुमने वो प्रोजेक्ट संभालने से मना कर दिया, तुमने जो किया है उसकी मिसाल भी कोई नहीं दे सकता है। तुमने ये साबित कर दिया चकोर कि तुमसे अच्छी माँ कोई हो ही नहीं सकती, और तुमसे अच्छी पत्नी कोई है ही नहीं। क्यों आगे कर दिया? करण ओबेरॉय बहुत से अनुभवी लोगों को शहर से ला सकता था, हम क्या करेंगे चकोर? क्या करेंगे मतलब? तुम ये प्रोजेक्ट संभालोगे सूरज? सूरज, तुम्हें याद है करण जी ने उस दिन क्या कहा था कि उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो आजादगंज का चप्पा चप्पा जानता हो, जिसे आजादगंज की जमीन की परख हो। और तुम आजादगंज के बारे में सबसे ज्यादा जानते हो, आजादगंज की धरती के बारे में, खेती किसानी, रेशम के बारे में सब कुछ तो मालूम है तुम्हें, फिर तुम क्यों नहीं कर सकते ये काम? सूरज, हमें लगता है कि ये काम तुम्हारी निगरानी में बहुत अच्छा होगा, और इसीलिए हमने तुम्हारा नाम दे दिया। अरे बस बस बस, इतना बोलती हो तुम, अब जल्दी से केक काटो वरना बिना काटे खा जाएंगे हम। तुम कितने भुक्कड़ हो सूरज। वैसे हमारी इस खुशी में हमारी शानवी को भी होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। और ये लो, ये संभालो अपनी अमानत। हम तो चले। थैंक यू मम्मी। केक काटेंगे। देखो डैडी ने केक बनाया।